हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा स्वीट किचन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज की वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये लिया है मैंने दूध, ये लिया है मैंने एक कप, और कप है मेरा 160 ml वाला मेरा कप है, उसको भर के मैंने लिया है दूध। और 120 ml मैं डाल दूँगी इसमें मिल्क पाउडर। तो आप सोच रहे होगे मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ, मैं बना रही हूँ रबड़ी। क्योंकि आज का जो हमारा केक ऑर्डर है वो है रबड़ी केक का ऑर्डर, और रबड़ी मैं घर पर ही तैयार कर रही हूँ। दूध में मैंने मिल्क पाउडर मिलाया है, 160 ml दूध में 120 ml मिल्क पाउडर मिला के अच्छे से इसको मैं मिला दूँगी, और गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जब थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा सा दूध हमें निकाल लेना है जिससे हम सोकिंग करेंगे। वो थोड़ा पतला होना चाहिए इसलिए हमने वो पहले ही थोड़ा सा निकाल लिया है। और इसमें 2 tablespoons जितना मैंने डाला है चीनी, और इसको थोड़ा और गाढ़ा करके हमने उतार लिया है गैस से, और एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और यहाँ पर हम काट रहे हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट, क्योंकि ये रबड़ी फ्लेवर हमारा केक है तो ड्राई फ्रूट तो डालना बनता है फ्रेंड। तो इसलिए लिए हैं मैंने यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ता, और उनको लंबा लंबा मैं चॉप कर लूँगी। तो कुछ मैं डाल दूँगी केक के अंदर रबड़ी में, और कुछ मैं बाहर डेकोरेशन के लिए रखूँगी। तो ये देखिए, ड्राई फ्रूट हमारे कट चुके हैं, रबड़ी हमारी बन चुकी है, और जो हमारा स्पंज है अब उसकी लेयर कट कर लेंगे। स्पंज बनाने की रेसिपी मैंने नहीं दिखाई है क्योंकि मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाते हो, इसलिए मैंने स्पंज की वीडियो नहीं दिखाई है, डायरेक्ट इसकी कटिंग की वीडियो दिखा दी है। तो देखिए, मैंने काटी है इसकी 3 layer, और लेयर मैं कर दूँगी साइड। और अब लेंगे हम अपना रबड़ी जो हमने बनाया है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक थोड़ा सा गाढ़ा। तो दोनों में हमने डाल दिया है इलायची पाउडर जिससे कि रबड़ी का फ्लेवर अच्छा आएगा। और ये देखिए, अच्छे से कर दिया है मिक्स। और जो हमारी गाढ़ी वाली रबड़ी है उसमें डालूँगी मैं थोड़े से जो हमने काट के रखे थे ना ड्राई फ्रूट, पिस्ता और बादाम, वो डाल दूँगी। और बस हमने रखा है अपने केक बोर्ड पे, टर्न टेबल पे एक कपड़ा, और उसके ऊपर रखा है अपना केक बोर्ड जिससे कि हमारा केक बोर्ड फिसले नहीं। और थोड़ी सी क्रीम लगा कर रख दिया हमने पहली लेयर, और ये लेयर थोड़ी सी टूट गई थी, बट कोई बात नहीं, हम इसको इसी में एडजस्ट कर लेंगे। और जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रबड़ी था उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा येलो जेल कलर जिससे कि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए। और इससे हमने अपनी लेयर की सोकिंग कर ली है, और अब फैला लेंगे हम एक लेयर क्रीम की। और क्रीम की लेयर फैलाने के बाद हम इसमें अपना रबड़ी डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट डाल के रखा था, और इसको भी अच्छे से फैला देंगे। अगेन आ गई हमारी सेकेंड लेयर, और इसकी भी अच्छे से सोकिंग करनी है जिससे कि हर वाइट में, हर लेयर में रबड़ी का फ्लेवर आए। अगेन फिर से वही प्रोसेस फॉलो करते हुए तीनों लेयर हमें कंप्लीट कर लेनी है। पहले लेयर की सोकिंग करनी है, क्रीम की लेयर फैलानी है, फिर उसके ऊपर रबड़ी डालनी है, अगेन दूसरी लेयर रख देनी है, बस यही प्रोसेस फॉलो करना है। तो देखिए, अब आ गई हमारी लास्ट वाली लेयर, और इसकी भी अच्छे से सोकिंग करनी है, और फिर करेंगे हम क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे केक के क्रम्स बाहर निकलते हैं उसे क्रीम से दबा देते हैं, उसको बोलते हैं क्रम कोटिंग। और क्रम कोटिंग करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी जिससे कि इसके क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए और फाइनलाइजिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप मेरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि मैं किस तरह से क्रम कोटिंग करती हूँ। तो यहाँ तो मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में लगा रखा है क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, अगर मैं नॉर्मल स्पीड में दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो और आप लोग बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको फास्ट किया हुआ है वीडियो को। तो ये देखिए, अब लिया है मैंने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाया है और येल्लो जेल कलर मिलाया है, और एक पाइपिंग बैग में भर के मैं केक पर अप्लाई कर लूँगी, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैं ड्रॉपिंग कर लूँगी। और अब पहले नाइफ से इसको पूरे केक पर फैला दूंगी, और जो एक्स्ट्रा है वो ड्रिपिंग फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना न्यूट्रल जेल फैला लिया है। अब थोड़ी सी क्रीम ली है, उसमें डालूंगी मैं पिंक कलर। ये जेल कलर डालो तो और भी अच्छी बात है, बट मेरे पास जेल कलर नहीं है तो मैंने लिक्विड कलर ही इसमें डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स नहीं करूँगी, हल्का सा मिक्स करके छोड़ दूँगी, और ऐसे ही मैं बनाऊँगी फ्लावर इसी तरह की क्रीम से।
तो इससे क्या होगा, एक डबल सेडेड फ्लावर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी क्रीम, थोड़ा सा जेल हटा रही हूँ और थोड़ी सी क्रीम लगाई है मैंने, क्योंकि जेल पर फ्लावर टिकता नहीं है, वो फिसल जाता है, इसलिए थोड़ा सा जेल हटाकर उस पर क्रीम लगा ली है। एक फ्लावर मैंने बना लिया है रोजेस, और अब मैं दूसरा बनाकर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, पहले हमने नीचे बेस बनाना है, ये देखिए, और इसी तरह से यहाँ से उठाया, यहाँ पे छोड़ा, और फिर इसके मिडिल से उठाया और छोड़ा, फिर मिडिल से उठाया फिर छोड़ा, इसी तरह से हमें पूरा फ्लावर कंप्लीट कर लेना है। और जो लास्ट वाली पेटल हमें बनानी है वो पूरी एक बार में हमें कंप्लीट करनी है, एक या दो बार में कंप्लीट कर देनी है। ये देखिए, ये बन गया हमारा फ्लावर, तो रख देंगे इसको भी केक पर। उससे पहले हम लगाएंगे थोड़ी सी क्रीम, जिससे कि हमारा फ्लावर अपनी जगह पर सेट हो जाए। ये देखिए, और सीजर की हेल्प से इस पर रख देंगे। और इसी क्रीम में थोड़ी सी मैंने व्हाइट क्रीम मिलाई है, थोड़ा सा लाइट कर लिया है मैंने इसको पिंक को। और पाइपिंग बैग में आगे नोजल लगाया है मैंने पर्ल वाला, उससे बना लिया है बॉर्डर। और पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा कट करके और पर्पल कलर की क्रीम भर के बना ली हैं लताएं। तो देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, छोटा सा कट किया है और ऐसे राउंड 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 घुमाते हुए लताएं जैसी होती है ना बेलों पे, ऐसी बना देंगे। और पाइपिंग बैग को आगे से थोड़ा सा वी शेप में कट करके ग्रीन कलर की क्रीम से बना दिया हमने लीफ। अगर हम इसमें लीफ नोजल लगा के बनाते हैं ना, तो इतनी अच्छी लीफ हमारी नहीं बनती है जितनी हमारी आगे से वी शेप कट करके बनती है। तो ये मैंने एक आपको मेथड बता दिया है लीफ बनाने का। तो देखिए, केक हमारा लगभग रेडी हो चुका है। और अब ये जो हमने फ्लावर बनाए ना रोजेस, इन पर रखूंगी मैं एक एक एडिबल पर्ल, और कुछ पर्ल मैं इसके सरफेस पे डाल दूंगी फ्लावर्स के आगे छोटे छोटे, और साइड में कर दूंगी जो हमने ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे ना, थोड़े से बचा लिए थे, उनको मैं स्प्रिंकल कर दूंगी साइड में। तो देखिए, ये रख दिए हमने पर्ल, और थोड़े से पर्ल डाल दूंगी मैं आगे सामने। और ये हमने राधाष्टमी पर बनाया था, यानी कि राधा जी के बर्थडे पर, और वो मेरे परमानेंट कस्टमर हैं, बहुत दिल के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी लेडी हैं, वो मुझसे ही केक लेते हैं हमेशा। और जब कस्टमर इतने प्यारे हों तो हमें भी अपना 100% देना होता है। तो देखिए, केक हमारा हो चुका है रेडी, और अब मैं कर दूंगी इस पर गोल्डन स्प्रे, इससे अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी हमारे केक पर। तो केक हो गया है हमारा रेडी, और अब मैं इस पर एक राधे राधे नाम का टॉपर लगा दूंगी। तो कैसा लगा आज का केक, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट दीजिए फ्रेंड। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।